ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। हमास ने गाजा से इसराइल में सड़क वायु और जल मार्गों से घुसपैठ की। सीमा की बाड़बाड़ी तोड़कर अंदर घुसे। यहां के रक्षा प्रवक्ता के अनुसार सोमवार को भी देश के कई इलाकों में हमास व सुरक्षा बलों में मुठभेड़ जारी हैं। ये बताता है कि हमास ने कई महीनों की तैयारी के बाद हमले को अंजाम दिया। इसी वजह से इसकी भनक तक इसराइल व हमास के विरोधी मिस्र को न लगना आधुनिक सैन व खुफिया इतिहास की एक बहुत बड़ी अचंभित करने वाली घटना बन चुकी है। हमास ने संपर्क के लिए फोन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम उपयोग नहीं किए। हमास ने योजना के तहत मोबाइल या संचार के अन्य माध्यमों से आपस में बात ही नहीं की। ये भी एक वजह है कि इन पर निर्भर इजरायली खुफिया तंत्र विफल हुआ। गाजा पट्टी से लगती मैं 60 किलोमीटर लंबी सीमा पर इसराइल ने इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्शन नेटवर्क पर लगा रखा है। इसमें सेंसर और मानवीय निगरानी दोनों शामिल है। ये घुसपैठ और गाजा में हो रही गतिविधियों की निगरानी में मदद करता है। हमास की गतिविधियां रोकने के भी काम आता है। खासतौर पर गाजा में लाई जा रही मिसाइलें, हथियार व पुर्जे पकड़े जाते रहे हैं, लेकिन इस बार हजारों रॉकेट व मिसाइल गाजा पट्टी पहुंच गए। इसराइल इन्हें रोक नहीं पाया। ये कैसा हुआ, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। निगरानी विफलता को आयरन डोम की विफलता से भी जोड़ा जा रहा है, जो ज्यादा अखर रही है। इसकी वजह से हजारों रॉकेट इसराइल को नुकसान पहुंचाने में सफल रहे। ये मिसाइल रक्षा प्रणाली 2 दशक से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। अब तक मिसाइल हमलों को आयरन डोम बेकार करता रहा है। हमास ने नई मिसाइल प्रणाली का हमले में उपयोग किया। हमास ने एक ड्रोन कैमरे की रिकॉर्डिंग जारी कर दिखाई कि उसने कैसे इसराइल द्वारा सीमा पर लगी सेंसर व निगरानी प्रणाली के टावरों में ड्रोन से बम डाले और विस्फोट से इन्हें बेकार किया। विशेषज्ञों के अनुसार सेंसर प्रणाली बेकार करने के अलावा ड्रोन से सैन्य ठिकानों पर भी हमले कर सैनिकों को घायल किया गया। इसमें इसराइल तेजी से जवाब नहीं दे पाया।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।